अब हम इंतज़ार कर रहे थे, जितने लोग वेटिंग में हो सब ज्वाइन कर लें। हम सब तकरीबन सब ने ज्वाइन कर लिया। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपको सामने नज़र आ रहा होगा वही वाली विंडो जो हमने पिछली क्लास में सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के लिए इस्तेमाल की थी, उसका ग्राफ बनाने के लिए जो हमने यूआरएल यूज़ किया था, वही हम आज ओपन है और वही वाली इक्वेशन आपके सामने नज़र आ रही है। अच्छा, अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको आवाज़ सही आएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग से रिलेटेड मज़ीद कुछ चीज़ें ऐसी हैं। पिछले क्लास में हमने दो बातें डिस्कस की थी। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन डिस्कस किया था, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह थी कि हमने ये देखा था कि जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तब हमारे लिए मुमकिन होता है कि हम उन चीज़ों का एल्गोरिथम बना सकें। जब तक हमें प्रोसेस ही क्लियर ना हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, तो हम वो उस प्रोसेस को कोड भी नहीं कर पाते। एक नज़र आपके सवालों पे। जी, अपलोड नहीं हुई है, इंशाल्लाह आज हो जाएगी। और बल्कि मेरी कोशिश होगी कि आज की क्लास और पिछली जो रह गई थी, पिछली क्लास की जो रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई थी, वो दोनों आज ही अपलोड हो जाएं। तो इंशाल्लाह ट्यूसडे की क्लास और जो लास्ट जो हमारी क्लास हुई थर्सडे की, वो और आज की, इंशाल्लाह दोनों आज ही लोड हो जाएंगी। इंशाल्लाह रात तक इंशाल्लाह लोड हो जाएंगी। अच्छा, हमने बात यहाँ से शुरू की। असल में मैं आपके आपको मुझे याद आया कि जो मैं यहाँ से ऑनवर्ड शुरू कर रहा था, लेकिन मुझे याद आया कि पिछली क्लास में जो कुछ अहम बातें थी उसको ज़रा सा मैं आपको उनकी तरफ तवज्जो दिलाऊँ आपकी। और वो बात ये थी कि मैंने आपको ये बताया था कि हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया था इस इक्वेशन का, और हमने इसको अलजेब्रिकली सॉल्व किया था, फिर हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया था। और ग्राफ प्लॉट करके कुछ हमने इसमें से ऑब्जर्वेशंस ली थी कि जहाँ जो सोल्यूशन आया था अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने पे, जो उसका सोल्यूशन आया था वो था 2 और -5। और सोल्यूशन की डेफिनेशन ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जिन पे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाए। तो हमने ग्राफ में देखा था कि वो ऐसे पॉइंट थे जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते थे। अच्छा, ये वाली बात जो है वो पहले जो जो बात जब मैंने ये वाली बात आपको बताई थी, उससे ज्यादा क्लियर उस वक्त हुई जब इसको आपने ग्राफिकली प्लॉट करके देखा। यहाँ से हमने एक और बात नोट की थी कि जो भी पॉइंट है, जो भी सोल्यूशन, जो भी उसका सोल्यूशन है, उससे अगर लेफ्ट पे जाएं या राइट पे जाएं, तो दोनों तरफ जो वाई की वैल्यूज हैं, जो उसका सोल्यूशन है, उसके राइट पे जाएं या लेफ्ट पे जाएं, तो इसकी जो वाई की वैल्यूज हैं वो एक साइड पे इसके पॉजिटिव होती हैं, दूसरी साइड पे नेगेटिव होती हैं। चाहे कोई सा भी सोल्यूशन ले लें, तो एक साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे नेगेटिव। और हमने इन इन ऑब्जर्वेशंस को यूज करते हुए एक जेनरिक ऐसा मेथड डेवलप किया था कि जिससे किसी भी किस्म की इक्वेशन हो, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक वो हो, क्वाड्रेटिक कह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक तो पॉलिनोमियल ही है, ट्रिगोनोमेट्रिक हो, लॉगरिथमिक हो, किसी भी किस्म की हो, किसी भी किस्म की हो, बेटा ग्राफ प्लॉट अगर नहीं हुआ था तो ये बाकी जो डिस्कशन है वो इसके बगैर बगैर हुई नहीं थी, इसके साथ ही हुई थी। आप याद कीजिए, मेरा ख्याल है आप भूल गए। अच्छा, तो मैं बात ये बता रहा था आपको कि ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो क्लियर होते हैं तो वो काफी हमें हेल्पफुल रहते हैं सॉल्यूशंस को डिजाइन करने में। जैसे हमने एक सिंगल एल्गोरिथम ऐसे डेवलप किया, जो कि असल में हमने उस क्लास में नहीं किया था, और डेवलप बुक्स में मौजूद है वो, जो बाइसेक्शन मेथड कहलाता है, लेकिन उसकी बुनियाद की थी वो उस वक्त तक नहीं समझ में आ सकता जब तक आपके ये वाली बातें, जो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो क्लियर ना हो।
तो ये थी वो खास बात जिसको 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 एम्फसाइज करके मुझे आपको बताना था। तो अब हम आज की क्लास में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करेंगे, और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत सारे लोगों को आती है, मैथमेटिक्स में सॉल्व की है। अगर इसी इक्वेशन को आप जिसका हमने ग्राफ प्लॉट किया था, अगर इसी को डिफरेंशिएट करें तो उसका क्या आंसर आएगा, बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल है आप लोग ये काम कर सकते हैं। तो जिनको आता है वो ज़रा जल्दी से कर लें। और मैं वेट कर रहा हूं। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब आने शुरू हो गए। 4, 5, 6, 7, बहुत सारे जवाब आ गए। वेरी गुड। अब जरा देखिए आगे बढ़े। ये जो टू एक्स प्लस थ्री है, आपने इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गई। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स एक्स की वैल्यू 0 पर इसकी वैल्यू फाइंड डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको डेरिवेटिव फाइंड कीजिए एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो इसका आंसर भी फौरन आ जाएगा। ये जो आपने इक्वेशन निकाली है इसमें आप एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। शाबाश। तो ये जो हमने डिफरेंशिएशन किया और इसका आंसर 3 आया, ये 3 हमें क्या बताता है, 3 क्या चीज है? ये 3 जो है, जिस पॉइंट पे हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया है, इस पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप को डिस्क्राइब कर रहा होता है। ये जो 3 है ये टेंजेंट के स्लोप को डिस्क्राइब कर रहा होता है। और टेंजेंट जो टेंजेंट है वो किस तरह की लाइन होती है? टेंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो जो डिफरेंशिएशन कर सकता हो, अच्छा डिफरेंशिएशन से मेरा मतलब है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, सिंबॉलिक सॉल्यूशंस की हम नहीं बात कर रहे कि जिसमें एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर एक दूसरी एक्सप्रेशन आ जाती है, उसकी बात नहीं कर रहे हम। कुछ लोग वेटिंग वेट कर रहे हैं, उनको मीटिंग में अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो और मैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, वो वाला सिंबॉलिक जो आप सॉल्यूशन निकालते हैं उसकी बात नहीं कर रहा मैं। तो आप किसी पॉइंट पर जब डिफरेंशिएट करते हैं तो किसी पॉइंट पे एक वैल्यू निकलती है। वो वैल्यू किस तरह से निकलती है? जिस पॉइंट पर आपने डिफरेंशिएट किया वो आप उस एक्सप्रेशन में, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप एक्सप्रेशन रिपोर्ट करते हैं तो आपको एक पास एक आंसर आ जाता है, और वो स्लोप होता है। और स्लोप किस चीज़ का होता है? वो टेंजेंट का स्लोप होता है जो इस कर्व को इस पॉइंट पे टच कर रहा हो। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो जिसका ताल्लुक सिर्फ जिसका ताल्लुक बेसिकली एल्गोरिथम से, वो ये कि जब हमें एल्गोरिथम को डेवलप करना होता है तो कभी ऐसा भी होता है, बल्कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमें एक्यूरेट सॉल्यूशन, एक्यूरेट एल्गोरिथम के बजाय हम एक अप्रोक्सीमेट एल्गोरिथम से शुरू करते हैं और फिर ये देखते हैं कि उस अप्रोक्सीमेट एल्गोरिथम्स को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हमारे पास एक पॉइंट, किसी एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट गिवन हो और हम उसका जो है टेंजेंट की जो लाइन है वो फाइंड कर सकें। टेंजेंट की लाइन तो अगर हमें टेंजेंट की जो इक्वेशन है अगर वो हम फाइंड कर लें तो हम स्लोप भी निकाल सकते हैं उसका, लेकिन टेंजेंट की जो लाइन है वही वही कैलकुलेट नहीं की जा सकती। तो हम क्या करते हैं कि हम बजाय टेंजेंट के उसी कर्व के ऊपर दो पॉइंट्स ले लेते हैं, कोई से दो पॉइंट्स ले लेते हैं, और इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। और अगर हम इस दो यानी कि कर्व सरफेस के दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया जाए तो वो जो स्ट्रेट लाइन है वो कॉर्ड कहलाती है। तो अगर मैं एक पॉइंट ये ले लूं जिस पे हमें डेरिवेटिव फाइंड करना, और दूसरा कोई और सा पॉइंट ले लूं, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट ले लूं जिसको मैंने हाईलाइट किया जो 2,0 है, और एक
इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं, तो इस लाइन का जो वो है स्लोप है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। और फॉर्मूला क्या होगा उसका, y2 - y1 / x2 - x1। अब y1 y2 कौन सी है, एक पॉइंट को अगर हम, एक पॉइंट वन है दूसरा पॉइंट टू है, तो इसका जो स्लोप है वो तो आसानी के साथ कैलकुलेट किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन ये जो स्लोप आप फाइंड करेंगे ये तो कॉर्ड का स्लोप होगा, टेंजेंट का स्लोप तो नहीं होगा। तो इस कॉर्ड का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप में फर्क होगा, लेकिन जैसे अगर मैं इस पॉइंट को बजाय, ये 2,0 जो जो पॉइंट है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, इसके बजाय अगर मैं 1,-6 ये वाला पॉइंट ले लूं, यानी एक्स की वैल्यू 1 ले लूं जिस पे वाई की वैल्यू -6 है, तो 0 0 - 10 एक पॉइंट है, दूसरा 1 - 6 है। इन दोनों को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं तो इसका जो स्लोप है वो जो टेंजेंट है उसके ज्यादा क्लोजर होगा एज कंपेयर टू कि अगर मैं ये वाले दो पॉइंट्स लूँ, 0 - 10 और 2,0, इन दो पॉइंट्स को अगर मैं लूँ तो उनके मुकाबले इस कॉर्ड की जो स्लोप है उस स्लोप के मुकाबले में 1 - 6 वाला पॉइंट, अगर 0 - 10 और 1 - 6 वाला पॉइंट लूँ तो इसका स्लोप उसके मुकाबले में ज्यादा क्लोज होगा इसके टेंजेंट के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मजीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है कि मैं इसको और करीब ले आऊं, 0.5 पे ले आऊं। तो ये अब जो कॉर्ड का जो वो स्लोप आएगा वो और ज्यादा क्लोजर टू टेंडेंट होगा। तो अगर मैं उसको और जितना मैं इसके करीब लाता जाऊंगा उतना ही कॉर्ड का स्लोप्स टेंडेंट के स्लोप के करीब तर होता चला जाएगा। तो इस क्वालिटी को, ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है इसको हम यूज करेंगे एक ऐसा एल्गोरिथम डेवलप करने के लिए जिसकी मदद से हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए अब मैं जरा आपके साथ शेयर करूंगा स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट कहाँ गई, शो ऑल विंडोज। अच्छा, अब ये देखें कि ये हम x²-3x - 10 का जो डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं x²+3x - 10 को, x²+3x - 10। अच्छा, आपने डेरिवेटिव काफी सारे लोगों ने निकाला था, f'(x) का वो आया था 2x+3, और अगर मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करो एट पॉइंट x=0, तो उसके लिए क्या करना करना होगा कि जहाँ इस ये जो डेरिवेटिव की जब हमने डिफरेंशिएट किया इस इक्वेशन को, तो इसकी जो एक्सप्रेशन आई है इसमें x की जगह पे 0 रख देंगे तो इसका आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। ये f'(x) में एक्स की जगह पे 0 लिखा तो उसका आंसर 3 आ गया। अच्छा, अब मेरे पास दो पॉइंट, और मैंने आपसे ये कहा था कि अगर हम ये वाले दो पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं, एक 0 जिस पे हमने डिफरेंशिएट कैलकुलेट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, और दूसरा x=2 जिस पे वाई की वैल्यू 0 है। अब ये x1 है, 0 x1 है, और x2 जो है वो 2 है, y1 -10 है, -10 है, और y2 0 है। तो अब इसका जो स्लोप कैलकुलेट होगा, कुछ लोग
वेट कर रहे हैं, इनको एडमिट कर लें और अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इनकी वैल्यूज अगर हम प्लेस करें तो ये बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से जो डेरिवेटिव निकला है वो है, उसकी वैल्यू है 5 जबकि एक्चुअल वैल्यू है 3। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ये तो काफी दूर था। मैंने कहा था कि अगर हम इसकी जगह जीरो जो बजाय एक्स की वैल्यू 2 के एक्स की वैल्यू 1 ले लें तो उस पे वाई की वैल्यू है -6। अगर हम वाई की वैल्यू 1 एक्स की वैल्यू 1 ले लें और अब जो डेरिवेटिव कैलकुलेट हुआ इसका जो डिफ्रेंशिएशन आया वो है 4। तो एक्चुअल क्या है? एक्चुअल 3 है। पहली वैल्यू आई थी 4, दूसरी वैल्यू आई है, पहली वैल्यू आई थी 5, दूसरी वैल्यू आई है 4। अगर मैं इसको और करीब ले जाऊं तो और क्लोजर टू एक्चुअल वैल्यू आ गए, अगर मैं और क्लोज ले जाऊं तो और क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू आ गए। तो मैं क्या, तो मैं अगर 0.1 कर दूं तो और क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन 0.1 ही क्यों, 0.01 क्यों ना कर दें, 0.01 क्यों, 0.001 क्यों ना कर दें? तो बात ये कि आपने देखा कि जितना ये वैल्यू मैं छोटी करता जा रहा हूँ, जितना मैं दूसरा पॉइंट उस पॉइंट के करीब लाता जा रहा हूँ जिस पे डेरिवेटिव फाइंड करना है, उतना ही ये वाला जो एल्गोरिथम हमें क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू हमें प्रोवाइड करता चला जा रहा है। तो ये तो इसका इसका जो एल्गोरिथम है वो क्या बन सकता है कि हम एक 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 वैल्यू इनपुट एक इनपुट वैल्यू लेंगे एक्स वन की, एक इनपुट वैल्यू लेंगे जिसपे हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, इक्वेशन हमें फिक्स करनी होगी। फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे हम इक्वेशन जो इनपुट ली है उसकी उसकी वैल्यू हम फाइंड कर उस इक्वेशन को इवेलुएट करके उसका रिजल्ट फाइंड कर सकें। इनफैक्ट इसको हम सेकेंड सेमेस्टर में जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे तो हम वो मेथड्स डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से हम इनपुट लेके इक्वेशन इनपुट लेके और उसको ऐसा फंक्शन बना सकें जो उस गिवन इक्वेशन को के जो किसी गिवन पॉइंट पे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज हम प्रोवाइड करें तो वो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज हम प्रोवाइड करें तो हमें उस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दें। तो फिलहाल हमें अपने प्रोग्राम में पाइथन प्रोग्राम में इसको फिक्स करना होगा। अच्छा, फिलहाल हम एल्गोरिथम की बात करें, अल्टीमेटली हमें पाइथन प्रोग्राम में जाना है तो हम क्या करेंगे, एक तो हम लेंगे इसका एल्गोरिथम क्या बनेगा कि हमने इनपुट लिया एक वैल्यू, वो पॉइंट जिसके ऊपर डिफरेंशिएट कैलकुलेट करना है। एक्स टू इनपुट नहीं लेने की जरूरत नहीं है, हमें एक नहायत छोटी वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन कर दें जिसको हम कह रहे हैं, उसका नाम दे रहे हैं हम डेल्टा, 6, 7, 0, 8, 0 जितनी छोटी आप वैल्यू चाहें उसको दे दें। अच्छा, उसकी मदद से हम x2 कैलकुलेट करेंगे, दूसरा पॉइंट जो उसके बहुत ही क्लोज एक पॉइंट हमें कैलकुलेट चाहिए होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, यूजर की गिवन वैल्यू में वो डेल्टा ऐड करके हम x2 ले लेंगे। अब हमारे पास x1 आ गया और x2 आ गया और x1 पे y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये हम पहले भी काम कर चुके हैं, ये हमने y1 is equals to x square plus 3x minus 10 लिखा, लेकिन इससे पहले x में वो वैल्यू असाइन कर दी जिस पे आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो हमने x1 वैल्यू x1 पे जो हमें हमारे पास y की वैल्यू है उसको हमने वेरिएबल y1 में स्टोर कर लिया, फिर इस तरह से x2 पॉइंट पे जो वैल्यू आई उसको y2 में स्टोर कर लिया। तो अब जो अब इस पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यानी स्लोप फाइंड करने के लिए टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए हम इस कॉर्ड का स्लोप फाइंड करेंगे कैसे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 से, और जो वैल्यू आएगी उसको प्रिंट कर दें। देखिए यहाँ पे मैंने डेल्टा की वैल्यू ली है, जो भी वैल्यू ली पॉइंट के बाद 7 जीरोज हैं उसके बाद 1 है। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर ये वैल्यू रख दूँ। अब देखें डेरिवेटिव भी बिल्कुल जो कॉर्ड का जो डेरिवेटिव आया है वो भी वही आया एग्जैक्टली जो जो इसका एक्चुअली आना चाहिए, ये 3 आना चाहिए था, यहाँ पे भी 3 आया हुआ है।
तो किसी भी पॉइंट पे आप इसका, अगर मैं डेरिवेटिव, अगर मैं, अगर मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना होता है पॉइंट एक्स, एक्स की वैल्यू 1 पे, तो अब ये वैल्यू एक्स टू की जो वैल्यू है ये 1.00001 होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि इक्वेशन आपको पता है 2x+3s की, तो अगर इसमें 1 पुट करेंगे तो आंसर 5 आएगा। तो अगर मैं 1 और 1.001 यूज कर लूँ एक्स वन और एक्स टू के तौर पे, तो इसका आंसर क्या आ रहा है f डैश एक्स का, यानी सेकेंड सेकेंड नहीं, कॉर्ड की, कॉर्ड का जो स्लोप आ रहा है वो भी 5 ही आ रहा है। तो हमने एक ऐसा पॉइंट मेथड भी देख लिया और हमने उसका एक एल्गोरिथम भी बना लिया। इस एल्गोरिथम को आप पाइथन में कोड कर सकते हैं, मेरे ख्याल इसके लिए हमें ज़रूरत तो नहीं है, पाइथन प्रोग्राम को बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो गई, मेरे ख्याल से आप लोग ये वाला काम खुद कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं। हमने जो पॉइंट जिस पे हमें डेरिवेटिव लेना है, हमने उसके आगे का एक पॉइंट लिया कॉर्ड का स्लोप कैलकुलेट करने के लिए। कॉर्ड का जो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए जो ये भी तो कर सकते थे हम कि हम जिस पॉइंट पे हमने डेरिवेटिव लेना है उससे पिछली वाली इस उससे पहले वाले पॉइंट को हम यूज कर लेते कॉर्ड के दूसरे पॉइंट के तौर पे, तो ऐसा भी हो सकता है। उस सूरत में क्या करना होगा, सिंपली ये जो डेल्टा वैल्यू है इसको बजाय ऐड करने के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो उससे भी आंसर जो है ना वो सेम ही आएगा। यानी इस ये वाला फॉर्मूला जिसमें हम करंट पॉइंट जिस पे डेरिवेटिव लेना है वो और उसके आगे वाला पॉइंट लेते हैं, वो कहलाता है न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला। और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वाई एन, ये एन जो है वो है एन मे बी एनी वैल्यू। सो जो भी आप nth पॉइंट आप ले रहे हैं, nth पॉइंट से पहले एक पॉइंट ले लें जिसको मैं n+1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, उसके बाद वाला एक पॉइंट ले लें, तो ये न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला कहलाएगा। और अगर मैं जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड किया उससे पहले वाला पॉइंट कंसिडर करूँ, यानी xn और xn-1 कंसिडर करूँ, तो ये फॉर्मूला न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला कहलाएगा। अच्छा, अगर कर्व सिमेट्रिक है, जिस पॉइंट पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना, अगर कर्व सिमेट्रिक है तो ये और ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं उस पॉइंट से के बहुत करीब एक उससे बड़ी वैल्यू ले लूँ और उस पॉइंट से बहुत करीब उससे एक छोटी वैल्यू ले लूँ। तो अब जो कॉर्ड बनेगा वो कॉर्ड पैरेलल होगा टेंजेंट के, और उस सूरत में फॉर्मूला जो है वो भी स्लाइटली चेंज हो जाएगा। फिर हमें उन दो पॉइंट्स को हम यूज़ करेंगे, यानी xn+1 और xn-1 को चूज करेंगे, और जो फॉर्मूला बना वो कहलाता है सेंट्रल फॉर्मूला, न्यूटन 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 सेंट्रल फॉर्मूला, या फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉर्मूला भी उसको कहते हैं। तो ये जो एल्गोरिथम लिखा हुआ है ये किसका लिखा हुआ है, न्यूटन फॉरवर्ड का या बैकवर्ड का? नो आंसर, फॉरवर्ड का, यस। और बैकवर्ड फॉर्मूले, यही एल्गोरिथम मामूली चेंज के साथ बैकवर्ड के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें से कौन सी लाइन, अगर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो इन 9 है, उसमें कौन सी लाइन चेंज होगी जिससे ये न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला बन जाएगा? थर्ड लाइन से, सही है, बजाय प्लस के ये माइनस साइन आ जाएगा। अगर सेंट्रल फॉर्मूला का, सेंट्रल फॉर्मूला लेना है तो सिंपली ये होगा कि इसमें जो एक्स वन है उसकी वैल्यू को भी हम चेंज कर देंगे, एक लाइन इसमें इंसर्ट कर दें,
एक्स वन की वैल्यू हो जाएगी एक्स वन प्लस डेल्टा। असल में एक्स वन कौन सा पॉइंट है, एक्स वन हम एक्स वन में हम वो वैल्यू इनपुट लेते थे जिसपे डिफरेंट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अब यही फॉर्मूला क्या बताएगा हमें, ये अब ये जो एल्गोरिथम है ये सेंट्रल फॉर्मूले का एल्गोरिथम बन गया। ठीक है, तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला और न्यूटन सेंट्रल फार्मूला, ये मामूली वेरिएशन से ये तीनों फॉर्मूले यू ये तीनों फॉर्मूले जो हम एक ही साथ कोड ये कोड हो गए। अच्छा, जब हमने पिछली क्लास में जब हमने सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन की बात की थी, वहाँ मैंने आपसे आपको एक बात आखिर में एक आखिरी जो सेशन हुआ था उसमें बताई थी, उसमें ही कहा था कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का हमने एक मेथड डिस्कस किया है बाइसेक्शन मेथड। इसके दो और मेथड हैं जो हमने डिस्कस करने, उसमें से एक मेथड जो कहलाता है न्यूटन रैफसन मेथड। न्यूटन रैफसन मेथड किसका मेथड है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का, अच्छा, न्यूटन रैफसन मेथड में की एक कह लीजिए एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है, ड्रॉबैक तो नहीं कहना चाहिए, इसकी एक लिमिटेशन ये है कि आपको फंक्शन के साथ साथ, फंक्शन तो हमें पता होना ही चाहिए सारे, जिसके हमें जो इक्वेशन तो पता होनी चाहिए जिसका सोल्यूशन हमें फाइंड करना है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव भी हमें निकालना होता है, क्योंकि इस फॉर्मूले में, इसके फॉर्मूले में फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों यूज होते हैं। और फॉर्मूला उसका ये है कि हमें इसके लिए हम करते ही हैं कि हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे एक वैल्यू चाहिए होती है जो हमने फिल वर्क फॉर एग्जांपल जीरो ले ली। स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी हो सकता है, सीके जो न्यूटन सीकेंड जो सीकेंड में भी ऐसे ही होता है खैर, लेकिन हमने डिस्कस किया था अब इस दफ़ा ये बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में हमें ऐसी दो वैल्यूज चाहिए होती हैं जिनके दरमियान सोल्यूशन लाई करता हो, लेकिन इसमें सिर्फ हमें स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे एक वैल्यू चाहिए होती है, ज़रूरी नहीं होता कि हम हमें उसके दर वो कोई सोल्यूशन के करीब का पॉइंट हो। ये मेथड जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके वहाँ पहुँच जाता है। अच्छा, एक्स नॉट वैल्यू होती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे हमें एक वैल्यू चाहिए होती है जिसको हम एक्स नॉट कहते हैं, उसकी मदद से हम एक्स वन निकालना है। और एक्स वन का फॉर्मूला ये है कि हम पुराने ओल्ड वैल्यू ऑफ एक्स में से सब्ट्रैक्ट करते हैं उस ओल्ड वैल्यू एफ एक्स नॉट, यानी उस गिवन वैल्यू ओल्ड वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू, और एफ डैश एक्स नॉट। ये चीज़ यहाँ ज़्यादा वाजह करके लिखी हुई है, हमारे पास फंक्शन है, हमारे एक्स नॉट जो है वो गिवेन होगा, एक्स एक्स नॉट गिवेन होने से एक्स एक्स नॉट की मदद से हम एक्स वन निकालेंगे, और एक्स वन कैसे निकलेगा कि एक्स नॉट में से हम माइनस करेंगे एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट। फिर जो वैल्यू आएगी उसकी मदद से हम एक्स टू निकालेंगे, और जब हम एक्स टू निकालेंगे तो जो रिसेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इस्तेमाल कर लेंगे, यानी एक्स वन जो अभी पिछली दफ़ा कैलकुलेट होकर हमारे पास वैल्यू आई थी उसको हम यूज़ करेंगे, और उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करेंगे और इसी पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू भी लेंगे, और फिर जो वैल्यू आएगी उसकी मदद से हम एक्स थ्री निकालेंगे, और इस तरह से हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे हमने एक्स नॉट की वैल्यू ले ली जीरो, तो एक्स वन की वैल्यू कैसे निकलेगी, जीरो माइनस इस पॉइंट पे एक्स फंक्शन की वैल्यू हमने जो कि -10 है, और इसी पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू जो कि 3 है, तो 0 माइनस -10/3, तो इसका आंसर आ गया 3.333। ये हमारे लिए एक्स वन की वैल्यू हो गई। अब इस एक्स वन की वैल्यू यूज़ करते हुए हम एक्स टू की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, एक्स की एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन, ये एफ ऑफ एक्स वन का मतलब है एफ ऑफ 3.33 डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स वन, और एफ डैश एक्स वन का मतलब क्या है, एफ डैश 3.33। तो ये जो ये एक्स टू की वैल्यू, तो ये वाला प्रोसेस हम चलाते रहेंगे।
अच्छा, इसको हम यहाँ परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ हमने ये किया, इनिशियल वैल्यू 0 ले ली, तो उस पे एफ एक्स की वैल्यू -10 आ गई, एफ डैश एक्स की वैल्यू 3 आ गई, तो न्यू वैल्यू ऑफ एक्स जो आ गई वो आ गई 3.33। अच्छा, दो क्वेश्चन ने सारी वीडियोस यूट्यूब पे डाल दी। सारी वीडियोस, क्योंकि जो वीडियोस अब जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया उसके बाद से जो वीडियोस में आ रही हैं वो उसके ऊपर जा रही हैं, लेकिन वो आपको अवेलेबल होती हैं आपके उसके थ्रू, क्लास गूगल क्लासरूम के थ्रू। लेकिन मैं इंशाल्लाह, मुझे ख्याल है कि मैं उसको पब्लिक कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके ताकि आप सब लोग अपनी मर्जी से अपनी जो पुराने लेक्चर चाहिए तो वो मिल जाएँ, जबकि वो मौजूद तो हैं गूगल क्लासरूम पे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं जहमत नहीं करते उसको तलाश करने की, तो इसलिए उनको ये मेरे पास अक्सर फरमाइशें आती रहती हैं कि फला दिन की अपलोड कर दें, फला दिन की, वो सारी की सारी गूगल क्लासरूम में मौजूद हैं। जो नहीं है वो सिर्फ पिछली वाली जो क्लास हुई थी वो नहीं है, जो थर्सडे को हुई थी वो रिकॉर्डिंग नहीं है, उसके अलावा बाकी सारी वहाँ पर अवेलेबल हैं जी, सारी की सारी क्लास गूगल क्लासरूम के जो स्ट्रीम है उस पर मौजूद है। अच्छा, अब देखें इसको हम जरा सा आगे लेके चलते हैं। ये जो हमारे पास 3.33 आया, ये हमारे लिए नया नया एक्स है। अब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें, इस पॉइंट फंक्शन वैल्यू 11.11, इस पे एफ डैश एक्स की वैल्यू आई 9.667, और इसकी मदद से हमने नई वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट की, वो है 2.18। अब यही प्रोसेस एक दफा और रिपीट कर लें। आप जरा गौर कीजिए, इसकी इनिशियल वैल्यू है 3.33, फिर 2.18, फिर 2.0 आई, और इसकी एक्चुअल वैल्यू है कौन सी है, थी क्या, 2 और -5 है ना, तो ये 2 की तरफ जा रहा है। इसको एक दफा, यही प्रोसेस एक दफा और रिपीट करें, तो आप देखें ये एक्चुअल वैल्यू, न्यू वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो 2 आई है, और 2 क्या था, 2 ही हमारा सोल्यूशन था, लेकिन वाई की वैल्यू जिस पे मेरा कर्सर है इस वक्त, ये वाली वैल्यू अभी 0 नहीं, 0.325 है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, वहां तक करते हैं जब तक इसकी वैल्यू 0 ना आ जाए। ये देखिए ये वैल्यू 0 आ गई, लेकिन ये जो न्यू वैल्यू ऑफ एक्स है ये तो काफी पहले ही 2 हो चुकी थी, जबकि y 0 नहीं हुआ था, जबकि इसकी वैल्यू 0 होनी ही उस वक्त चाहिए जब जब सोल्यूशन आ जाए, तो y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि यहाँ जब ये 2 आ गया तो ये 0 क्यों नहीं आया है, लेकिन आप देखें कि ये 10^-2.1 × 10^-5 है, यानी कि कम से कम 3 डेसिमल प्लेसेस अगर हम कंसिडर करें तो हम इसको 0 कह सकते हैं। इसके बाद की वैल्यू देखें, ये 10^-12 है, यानी 11 डेसिमल प्लेसेस तक ये 0 है, तो अगर हम 10 डेसिमल प्लेस तक भी एक्यूरेसी चाहते हो तो उसके लिहाज से भी ये 0 है, और ये एग्जैक्टली 0 है। अच्छा, ये फ़र्क क्यों आ रहा है, ये फ़र्क इसलिए आ रहा है कि ये जो हमें यहाँ पर 2 नज़र आ रही है, ये मशीन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर एज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर हुई हुई है। अच्छा, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज स्टोर करने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो कहलाता है IEEE 754। तो मशीन्स में जो वैल्यूज स्टोर होती हैं वो IEEE 7575, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज IEEE 7754 फॉर्मेट में स्टोर होती हैं। अच्छा, कंप्यूटर्स के अंदर जहाँ नंबर्स प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेसर है, प्रोसेसर के अंदर नंबर्स को स्टोर करने की जगह है उसकी एक लिमिट होती है, एक खास नंबर ऑफ बिट्स से ज़्यादा बड़ी वैल्यू उसमें स्टोर नहीं हो सकती, तो उस छोटी सी जगह में बड़ी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए एक खास फॉर्मेट डिसाइड किया गया, एक खास फॉर्मेट बनाया गया, उस फॉर्मेट में उन वैल्यूज को कन्वर्ट करके स्टोर कर दें ताकि वो उस छोटी जगह में वो बड़ी वैल्यूज स्टोर हो सकें। अच्छा, क्योंकि अच्छा वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, लेकिन बाज़ वैल्यूज उसमें माइनर डिफरेंस के साथ आ रही होती है, जैसे 2 है अगर तो
इंटरनली वो हो सकता है 1.99999 के तौर पे स्टोर हुआ हुआ वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जो कि हमारे लिए अप्रोक्सीमेटली 2 ही है, लेकिन मशीन जब कैलकुलेट कर रही होती हैं तो वो तो जो रजिस्टर में वैल्यूज स्टोर हुई होती हैं उनको यूज़ कर रही होती हैं। तो लिहाजा ये वजह है कि यहाँ पर ये वैल्यू तो हमें 2 नज़र आ रही है, लेकिन इस पर वाई की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली 0 आ गई।